ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। क्या राहुल गांधी का आदर्शवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खांटी राजनीति उनके राजनीतिक अवसरवाद का मुकाबला कर पाएगा? आज राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोस्तों, और उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूं क्योंकि मैं इस देश में दिलों को जोड़ना चाहता हूं। पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल किया कि आप ये यात्रा तो निकाल रहे हैं मगर इसका राजनीतिक क्या मकसद है? यह भी सवाल पूछा गया कि आखिर कांग्रेस में क्या कमी रह गई? राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद राजनीति नहीं है और वो देश को जोड़ना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न, उनका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों को रिहा करके यह उम्मीद करती है कि उसके जरिए उसे हिंदुओं के वोट मिल जाएंगे। राहुल गांधी का मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति यानी अरविंद केजरीवाल से है जो राजनीति करना जानता है और बिल्किस बानो पर पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर लेता है। ऐसे में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवसरवादी राजनीति या अरविंद केजरीवाल की अवसरवादी राजनीति का मुकाबला कर पाएगी? क्या कहा राहुल गांधी ने, सबसे पहले सुनते हैं दोस्तों। कांग्रेस कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। लेकिन अगर पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसका मतलब वो जनता का विश्वास भी नहीं जीत पा रही है। तो आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रह रही है और क्या सुधार की जरूरत है? कमी कहीं नहीं है, हमने बड़े क्लियरली बोला है कि हिंदुस्तान में नफरत, बेशांत हो जाए, नफरत फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाया जा रही है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है। हिंदुस्तान में जो हिंसा फैलाई जा रही है उसके सामने खड़े होने का है, ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा के माध्यम से हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये जरूर फायदा हो रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अब वो देखी जाएगी बात। मगर ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसीलिए हमने इसको ये नाम दिया है। दोस्तों, मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवसरवादी राजनीति। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अब तक अरविंद केजरीवाल के स्कूल मॉडल का लगातार भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती रही है, मगर आज एक ऐसी तस्वीर सामने उभर कर आई जिसमें ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इंस्पायर्ड हैं। आपके सामने दो तस्वीरें देखिए। ऊपरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया स्कूली बच्चों के बीच बैठे हैं और एक क्लास के अंदर सुन रहे हैं, और नीचे आज प्रधानमंत्री का नजारा। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा है, बस ये दो तस्वीरें ट्वीट की हैं। बड़ा प्रश्न ये कि राजनीति के लिए जिन लोगों का मजाक कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी उड़ाया करती थी, क्या आप उनका अनुसरण करेंगे और क्या इन लोगों के साथ राहुल गांधी मुकाबला कर पाएंगे? आज राहुल गांधी ने पत्रकारों को यह भी कहा कि मेरी छवि पर लगातार हमला हुआ, मेरी इमेज को तार तार किया गया, क्योंकि पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि देश भर में पत्रकारों पर हमला हो रहा है, आपका उस पर क्या कहना है? इस मुद्दे पर राहुल गांधी से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। We notice there are so many attacks on journalists nationwide. Do you have any framework to help the journalists? Do you notice there is also so many attacks on me nationwide and on me, on my image? Sir, what is your framework to help the journalists? The Congress Party, of course, believes in a free discussion. Congress Party has the courage to face journalists. We are not scared of journalists. Of course, the BJP doesn't like to face the truth, is scared of journalists, doesn't like this type of conversation. By the way, have you ever seen the Prime Minister having such a press conference? Have you seen the Prime Minister having such a press conference? Never. Sir. Yes. Right. Sir, Khalil from Kanpur. No, one second. So we have a culture where we see journalists as our allies because we want information. We want to understand what's going on. So when we are in power, we see you as
as people who give us information to govern, not as people who should be silent. राहुल गांधी इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का नाम लिए बगैर उन पर हमला करने से भी नहीं चूके। उनका साफ तौर पर कहना था कि गरीबों का पैसा जो है वो धन्ना सेठों को दिया जा रहा है, वो धन्ना सेठ जो आराम से हमारे बैंकों से पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक परम मित्र हैं जो इस वक्त दुनिया के दूसरे या तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। जाहिर सी बात है यहां पर उनका इशारा गौतम अडानी की तरफ था। सुनिए क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी। And any small businessman will tell you the devastation that is being caused. Thousands and thousands and thousands, I would say lakhs of them, have gone out of business. So India's ability to create jobs has been crippled. At the same time, massive transfer of wealth is taking place from the poor people and from the middle class to a handful of really rich business people. As you must be aware, the second richest or now the third richest man in the world is Indian, and he is a close associate of the Prime Minister, a friend of the Prime Minister, and everybody understands exactly how he's become the third richest man. What people don't clearly understand is that this is a money transfer from the farmers, from the small businessman, from the middle class into the hands of these type of very rich people. These people have access to the entire banking system. So a small businessman, farmer cannot access the banking system, but these people can have unlimited debt, as this gentleman has. So the entire economy has been crippled, and a lot of work will have to be done to bring that economy back to life. तो बड़ा प्रश्न, क्या राहुल गांधी का आदर्शवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवसरवाद से मुकाबला कर पाएगा? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको दिखलाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता भी नहीं है कि जिस तरह से वो स्कूली बच्चों के बीच बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी जो है उसी तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है, बगैर एक शब्द कहे, मगर उसके जरिए जो है संदेश जो है वो जाहिर हो रहा है। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी का मुकाबला न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी के साथ है, बल्कि बीजेपी की सोच के साथ है। वो समझाने के लिए मैं आपके सामने दो तीन मिसालें रखना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा राजनाथ सिंह के इस बयान की तरफ। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विभाजनकारी बातें प्रचारित करने की कोशिश हो रही है। राजनाथ सिंह हमला बोल रहे हैं गोदी मीडिया पर। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती है? वो गोदी मीडिया जो अपने जहरीले प्रचार से बीजेपी की मदद कर रहा है, उस पर हमला बोल रहे हैं राजनाथ सिंह। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले देश के गद्दारों को गोली मारो प्यारों को नारा देने वाले माननीय अनुराग ठाकुर ने भी मीडिया में जो जहरीला प्रचार चलाया जा रहा है उस पर अपनी बात कही थी। कही थी कि नहीं कही थी? इन दोनों बयानों के पीछे की सोच पर गौर कीजिए। बीजेपी कहीं ना कहीं समझ रही है कि उसका जो सबसे भरोसेमंद साथी था, यानी मीडिया, यानी गोदी मीडिया, उसकी विश्वसनीयता गई बारह के भाव। आज की तारीख में कोई न्यूज मीडिया को, न्यूज चैनल्स को गंभीरता से नहीं लेता, अखबारों को गंभीरता से नहीं लेता। अब बीजेपी क्या कर रही है इन दोनों बयानों के जरिए, चाहे वो राजनाथ सिंह ने दिया हो या अनुराग ठाकुर ने, वो लोग मीडिया पर हमला बोलकर उन लोगों को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं जो मीडिया से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि गोदी मीडिया पर हमला बोलकर, गोदी मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करके, कहीं ना कहीं आप उन लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं जो इस मीडिया से नाराज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी दोनों तरफ खेलना जानती है। राहुल गांधी का मुकाबला इस सोच के साथ है।
मैं इसलिए कहता हूं कि जो मीडिया आज की तारीख में नतमस्तक है ना बीजेपी के सामने, उसे पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। यूज एंड थ्रो, तुम्हें तुम्हारी विश्वसनीयता को बर्बाद कर दिया गया है, और यह बर्बाद इसलिए किया गया है क्योंकि तुम प्राइम टाइम में जहर का प्रचार प्रसार करते हो, और आज वही बीजेपी नेता तुम्हें सार्वजनिक तौर पर जलील कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह बयान देखिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि देश के जजेस राजनीति कर रहे हैं, जजेस के कोलिजियम में जो घटनाक्रम हो रहा है उससे वो राजनीति का नाम ले रहे हैं। मैं कानून मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने बयान दिया है इसमें कहीं ना कहीं अदालत की भी अवमानना है। मगर रिजिजू जी, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि जजेस राजनीति कर रहे हैं, मगर मैं आपका ध्यान दो तीन चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर जस्टिस एम आर शाह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजनरी नेता हैं, एक महान नेता हैं, उनकी सोच के क्या कहने। एक सिटिंग जज इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड हैं, एक सिटिंग जज, और किरण रिजिजू जजों पर आरोप लगाते हैं कि वो राजनीति करते हैं। आपका एमआर शाह के इस बयान के बारे में क्या कहना है बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों तरफ खेलते हैं। अब एक और बयान आपके स्क्रीन पर, फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जैसे ही रिटायरमेंट लिया कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं था, इनका सीधे राज्यसभा में प्रवेश हो गया बीजेपी की मदद से। आपको इसमें बिल्कुल भी कोई अटपटी बात नहीं दिखाई देती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता? कम से कम एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए था ना, एक दो साल रुककर आप राज्यसभा जाते, मगर रिटायरमेंट के बाद सीधा वो राज्यसभा में घुस गए। ऐसे में उन्होंने जो फैसले लिए, और मैंने एक आर्टिकल देखा था, उस आर्टिकल में यह कहा गया था दोस्तों कि जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कम से कम ऐसे 5 फैसले थे जिनसे बीजेपी को मदद मिली थी। मैं उस आर्टिकल में विश्वास नहीं करता, मगर मैं आपको बतला रहा हूं, चाहे जस्टिस एम आर शाह का बयान हो, चाहे रंजन गोगोई का राज्यसभा में जाना हो, वो रंजन गोगोई जिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का आरोप था, एक औरत ने उन पर यह आरोप लगाए थे और बीजेपी ने इन सज्जन को राज्यसभा में भेजा था। और फिर रिजिजू क्या कहते हैं? रिजिजू कहते हैं कि साहब जजेस राजनीति खेल रहे हैं। जजेस का इस्तेमाल राजनीतिक दलों में किस तरह से हो रहा है, उनके एजेंडा में किस तरह से हो रहा है, मैंने आपको उसकी 2 मिसालें दी हैं। इसके बारे में किरण रिजिजू क्या कहना चाहेंगे, यानी कथनी और करनी का फर्क। उसी तरह से आपको याद होगा आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले, इन्होंने देश के अंदर जो है महंगाई के बारे में कहा था, यह बहुत बड़ा राक्षस है, दशहरा में इस राक्षस का वध होना चाहिए जिसका नाम महंगाई है, जिसके पैरों तले देश की गरीब जनता पिस रही है। अब यह महंगाई कौन लाया? यह महंगाई तो मोदी सरकार लेकर आई ना, क्योंकि सत्ता में कौन है? मोदी सरकार है। यानी आरएसएस दोनों तरफ खेलना चाहती है, महंगाई पर भी बात कर रही है और बीजेपी की मदद भी कर रही है। तो ये दो तरफा बातें तो नहीं हो सकती ना, मगर बीजेपी ये दो तरफा बातें करती है। इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी का मुकाबला इन चीजों के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी जो महिला सम्मान की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वो बिल्किस के 11 गुनहगारों को रिहा कर देती है। खुद अमित शाह के गृह मंत्रालय ने उन 11 लोगों को रिहा करवाया। क्या कहेंगे इसके बारे में? यहां पर भी कथनी और करनी का फर्क, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ऐसा करने से उसे गुजरात के चुनाव में फायदा मिलेगा, जनता को यह समझती है बीजेपी। तो ये तमाम चीजें बताती हैं दोस्तों कि राजनीति के लिए बीजेपी कोई भी हद पार करने को तैयार है। कांग्रेस का ऐसी बीजेपी के साथ दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी आदर्शवाद की राजनीति करना चाहते हैं। जनता मैं नहीं जानता हूं तैयार है कि नहीं, कायदे से
इस तरह की राजनीति ही होनी चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। कांग्रेस में ढेरों कमियां हैं, उस बात को मैंने हमेशा स्वीकारा है, संगठन के तौर पर। जी हां, खुद गांधी परिवार जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, मगर उसका असली मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के घोर अवसरवाद के साथ। क्या अगले 1.5-2 साल में राहुल गांधी कोई कमाल कर पाएंगे अपने इस आदर्शवाद के हथियार के जरिए? हमें इंतजार करना होगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।